ले देकर अपने पास एक नजर ही तो है, क्यों देखें जिंदगी को गैर की नजर से हम। जे तुसी भी कदे अपने आप दे विच अपने आप दी भाल कीती है तां साहिर लुधियानवी दे इन्हां लफ्ज़ां दे नाल तुहाडा नाता जरूर रहा होवेगा। साहिर लुधियानवी पंजाबी अदब पंजाबी शायरी दा ओह चेहरा जो कि अपने ज्यौंदे जी सिर्फ अपनी लिखत करके ही नहीं सगों अपनी मुहब्बत दे किस्सियां करके भी चर्चा दा विशा बनया रहा। मेरे नाल मेरी सहयोगी नवजोत कौर मौजूद ने। क्यों नवजोत, साहिर लुधियानवी एक विलक्षण किरदार सी। बिल्कुल विलक्षण किरदार सी, उन्होंने कौन भुल सकता है। अज वो साडे विच नहीं हैगे लेकिन उन्हां दी शायरियां उन्हां दे गाने जिहड़े अज भी सानू याद ने। करन तुसीं सुणिया होणा, कहिंदे आ इक जिहड़ा शायर उह तां बणदा है या तां उहदा दिल टुट्टा होवे, मुहब्बत च किते धोखा मिलिया होवे तां शायर बणदा है। लेकिन साहिर लुधियानवी एक इहो जिहे शायर सी जो मुहब्बत तो ते टुटे नहीं लेकिन जिहड़ियां होर भी कई परेशानियां सी जिन्हां करके उह शायर बणे, जिन्हां गल्लां ने उहनां नूं शायर बणा दित्ता। जी हाँ, साहिर लुधियानवी दे जीवन ते जे नज़र मारी जावे ता कुछ अजिहियां गल्लां खुल के सामने आउंदियां ने जो कि सिर्फ साहिर लुधियानवी बारे नहीं सगों हरेक शायर जो कि कोई नवे लफ्ज़ां दी उपज पैदा करता है उस दी जिंदगी उत्ते भी चानण पाउंदियां ने। सो साहिर लुधियानवी दे जीवन बारे अज आपां विचार करांगे, गल्लबात करांगे कि किस तरह उन्हां दी एक शायराना होंद पैदा हुई उपजी, किन्हां हालातां दे विच्चों साहिर लुधियानवी अब्दुल हई तो साहिर लुधियानवी बणिया। जी हाँ बिल्कुल करण, मैं तुहानू उन्हां दी जीवनी बारे दसना चाहूँगी क्योंकि मेरा बहुत मन सी जदों अज मैं सवेरे उन्हां दे गाने सुने उन्हां दी शायरी सुनी ते मेरा मन सी अज उन्हां दी जीवनी बारे गल कीती जावे, उन्हां दे अपने दर्शकां नू दस्या जावे उन्हां दी जिंदगी किद्दां रही, कित्थों शायरी उन्हां दी शुरू होई ते कित्थे जाके खत्म तो नहीं कह सकते जो साडे विच अज वी जिंदा है, लेकिन वह बोल दोबारा असीं सुन नहीं पावांगे उन्हां दे मूहों। करण उन्हां दी जीवनी दी गल करिए ते उन्हां दा जन्म 8 मार्च 1921 दे विच होया सी। ओहो, मार्च दा महीना ते आही है, यही दिन ने, पर गल दिना महीनिया दी नहीं, सालां साल सदियां पार भी चाहे वह फानी संसार नूं इह जी रूह अलविदा कह भी जावे उन्हां दे लिखे बोल उन्हां दी लिखियां गज़लां शायरी हमेशा इत्थे आबाद रहिंदियां ने। सो नवजोत दसो किस तरह उन्हां ने अपने जीवन की शुरुआत की ते अगले पड़ाव चढ़े। बिल्कुल, जदों उन्हां दा जन्म होया ते उन्हां दा नाम अब्दुल हई रख्या गया जो तुसीं शुरुआत च दस्या सी। जदों वड्डे होए पता नहीं उन्हां नूं अपना नाम पसंद नहीं आया या एक शायर जिहड़ा है कहिंदे अपना नाम बदल लैंदा है जदों भी शायरी दे दौर दे विच जांदा है या उस मुकाम ते पहुंचदा है। जी बिल्कुल, शिव कुमार बटालवी साहब जो कि पंजाबी शायरी अदब दा एक वड्डा नाम ने, उन्होंने एक बारी ब्रिटेन दे विच एक इंटरव्यू दे विच कहा सी कि इदां नहीं हुंदा भी कोई मैनू छड्ड गई, मेरी मुहब्बत टुट गई, दिल टुट गया ते शायर पैदा हो गया, मैं शायरी करन लग्या। उन्होंने कहा सी कि शायर एक कुदरत दी देन हुंदा, वह एक मीडियम है जिहदे विच्चों शायरी बाहर आउंदी है जो कि शायरी दी उपज दा जिहड़ा आ सार दा कारण बणदा है क्योंकि दुखांत शायर एक कुदरत तौर ते लै के ही पैदा हुंदा ते उहदी मौत तो बाद भी वह दुखांत उस दीआं गज़लां शायरियां दे विच जिउंदा रहिंदा। सो शायद यही कारण सी कि जदों साहिर लुधियानवी ने अब्दुल हई नूं छड्ड के साहिर लुधियानवी नूं जन्म दिता, अपनी उपज नवीं उकेरी, खुद नूं दोबारा बनाया तां उन्होंने एक नाम एक नवा सरनामा भी रखना चुनिया। जी बिल्कुल, वड्डे होके अपना नाम तो उन्होंने साहिर लुधियानवी कर लिया, जिस तों बाद उन्हां दी जिहड़ी जिंदगी च कुछ सी इहो जिहियां टेंशनां कह सकदे आ, इहो जिहियां चीज़ां सी क्योंकि जदों छोटे सी ते उन्हां दे माता पिता का जिहड़ा रिश्ता टुट गया सी, जिस तों बाद उन्हां उह काफ़ी दुख दे विच रहिंदे सी, उन्हां दा जिहड़ा जीवन है काफ़ी जिहड़ा तकलीफां दे नाल गुजरिया क्योंकि जदों माता पिता का रिश्ता टुट गया ते उह काफ़ी ज़्यादा परेशान रहिंदे सी। जिस तों बाद उन्हां ने अपनी पहली किताब लिखी तलखियां, सुनिया होना इस किताब बारे, बहुत ज्यादा पसंद की गई सी किताब। जी हाँ, किताब का सरनामा तलखियां, तलखियां तो ही भाव स्पष्ट होंदा है कि पहली किताब होनी एक शायर दी तां उसके बचपन के उत्ते जरूर चानण पाउंदी है, उसकी बणतर उत्ते चानण जरूर पाउंदी है। साहिर लुधियानवी दे माता पिता का रिश्ता तनावपूर्ण रहा, साहिर लुधियानवी दे बचपन के विच ही उन्होंने माता पिता का तलाक भी हो गया जिस दे चलदिआं उन्हां दी जिंदगी दे विच कई औंकड़ां आईआं जो उन्होंने अपने पिंडे ते अपने जहन ते हंडाईआं ते उस तों बाद इन्हां ही औंकड़ां दे विच्चों उपजी तलखियां जो कि उन्होंने स्रोतियां दी भेंट कीती ते लोकां ने बहुत प्यार कीता। कॉलेज के टाइमों तो ही साहिर लुधियानवी ते पंजाबी अदब शायरी दे एक होर वड्डा नाम अमृता प्रीतम, इन्हां दोवां दी नेड़ता दीआं गल्लां बहुत लोकां दे विच प्रचलित सी, दोवां दे विच कहा जांदा सी कि बहुत ज़्यादा प्रेम प्यार
अमृता प्रीतम किसी वेले व्याही वरी होने के बावजूद एक वड्डा नाम होने के बावजूद अपना नाम शोहरत घर बार सब कुछ छड़ के साहिर लुधियानवी के पिछे आने भी तैयार सी पर अफसोस कदी ये मुहब्बत का किस्सा मुकम्मल नहीं हो सकिया। सो नवजोत दसो तुसी किस तरह कॉलेज के टाइमों तो लैके साहिर लुधियानवी की लिखत अगे वधी तलखियां किताब लिखन तो बाद उन्होंने गाने लिखन का भी मौका मिले उन्होंने गाने लिखे उन्होंने पहली मूवी आई सी जो उन्होंने उस गाने लिखे सी आजादी के राह पर लेकिन उस मूवी के जो गाने से उन्होंने इन्ना ज्यादा पसंद नहीं किया गया उदो इन्ने हिट नहीं हुए सी जिस तो बाद उन्होंने कुछ समय बाद एक होर फिल्म आई सी नौजवान जिस दे विच उन्होंने गाने लिखे आर डी बर्मन जी दे नाल उन्हां दी जोड़ी नूं काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया सी उन्होंने गाने जिहड़े आ काफ़ी ज़्यादा सुने जाते सी क्योंकि शायरी तो उन्हां दी चंगी सी जिस तों बाद उन्होंने किताब लिखी वह भी काफ़ी ज़्यादा सुनी गई लेकिन जो आर डी बर्मन जी दे नाल उन्हां दी जोड़ी आई वह गाने जिहड़े आ कह सकते हैं दूजी फिल्म सी लेकिन गाने पहली फिल्म तो भी ज़्यादा चढ़े। अज नवजोत कौर फिर एक गाना हो ही जाए जदों साहिर लुधियानवी की भेंट समर्पित आपां प्रोग्राम कर ही दिता तो यह तो हो नहीं सकता भी उन्हों का गाना एक अपने स्रोत्या तक ना पहुँचाइए करण मेरी एक्चुअली आवाज जी बहुत ज्यादा खराब नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं सुनाओ तुसी लेकिन गल की साहिर लुधियानवी की जबरदस्ती जी आवाज गाने जरूर बाहर आते हैं गाना मैं याद आ जो काफी ज्यादा मैं पसंद है उन्होंने क्या बात आंदे हो तुसी गाना सुनिया होना है सर जो तेरा चकराए और दिल डूबा जाए आजा प्यारे पास हमारे काहे घबराए काहे घबराए। क्या बात है नवजोत कौर कुड़े आज तू छा गई साहिर लुधियानवी नूं मुड़ तो ज्यौंदा कर दिता तेरी आवाज ने। सो स्रोत्या वास्ते एक गाना साहिर लुधियानवी जी होना दा उन्हां दी लिखत नवजोत कौर ने गाई है पता नहीं साहिर लुधियानवी जी अज ज्यौंदे होंदे तां की कहिंदे पर अज असीं गा तां दित्ती है हुण बाकी थोड़ी भेंट है। सो इस तों बाद जदों साहिर लुधियानवी इन्हां गाणियां दे करके लोकां दे विच प्रचलित हो गए अंतरराष्ट्रीय स्तर ते उन्हां नूं प्रेम प्यार लोकां दा मिलन लग गया उन्हां दी शायरी दे लोक जाण उन्हां दी शायरी तों लोक जाणू हो गए इस तो बाद उन्हां दे मुहब्बत दे किस्सियां दे जिहड़े चर्चे वो आम हो गए हर लोग नूं हर आम बंदे नूं पता लगा कि साहिर लुधियानवी एक उग्गा शायर होण दे नाल नाल एक रंग रीले मिजाज का भी मालिक है। जदों साहिर लुधियानवी की गल करिए उन्हां दे मुहब्बत दे पक्ष की गल करिए जीवन दे विच तां अमृता प्रीतम का नाम सब तो उग्गा आउंदा है कॉलेज के दिनों ते उन्हां दी नेड़ता दसी जांदी सी पर कदी भी दोवां परिवारां तों चाहे प्रीतम परिवार होवे चाहे लुधियानवी परिवार इन दोवों परिवारों ने कभी भी प्रवानगी नहीं दी इस रिश्ते इस तो बाद अमृता प्रीतम प्रीतम सिंह होना नाल व्याह दे रिश्ते दे विच बन्ने गए पर फिर भी इन्हां दी नेड़ता काफ़ी कायम रही काफ़ी इकट्ठे रह के इन्होंने काम भी किया लिखते भी रहे नेड़ता बरकरार रखी लोगों के सदा ही चर्चा का विशा भी बने रहे। सो यह जा किरदार होने करके ही शायद उन्होंने निजी जिंदगी दे उत्ते भी कई सारे लोगों ने फिल्म निर्माकन भी किया। सो नवजोत दसो तुसी किस तरह साहिर लुधियानवी की जिंदगी दे उत्ते फिल्मां तक बनाई गई। बिल्कुल एक एहो जे शायर इन उन्हां शायरां दे विचों शायर से जिन्हां दी जीवनी उत्ते दो फिल्मां बनियां सी करन मैनू जित्थों तक याद आ शायद मैं गलत हो सकदी हां पर मैनू लगदा नहीं कि हले तक इदां दा कोई भी शायर होवे जिन्हां दी जीवनी उपर दो पिक्चरां बनियां होण। पहली पिक्चर आई सी प्यासा जदों पिक्चर आई सी उहदे विच सेम किरदार सी एक शायर सी किसे नूं मुहब्बत करदा सी जिस तों मुहब्बत करदा सी उह किसे होर दी मुहब्बत सी इहो जिहियां चीज़ां जिहड़ियां ऐ सारियां साहिर लुधियानवी दे नाल भी हुई जिस तो बाद काफ़ी समय बाद एक होर पिक्चर आई सी कभी कभी सेम स्टोरी सब कुछ उदा दा ही ये दोनों स्टोरियां जिहड़ियां आ साहिर लुधियानवी दी जीवनी दे उपर आधारित सी। सो साहिर लुधियानवी दे उत्ते दो फिल्मां दा निर्माकन किया गया खुद अपनी शायरी ते मुहब्बत दे किस्सियां तो अलावा एक होर कारण भी सी उन्हां दे चर्चा दे विच बने रहण दा ओह कारण सी उन्हां दा अड़बपन ते उन्हां दी एक मानता कि गायकां नालों गीतकारां दी अहमियत सदा ही ज़्यादा हुंदी है इस करके ही साहिर लुधियानवी हमेशा अड़ के एक गल पकाउंदे सी कि गीतकार मैं हाँ मेरी अहमियत ज़्यादा है जो भी गायक मेरा गाना गाएगा मेरी लिखत गाएगा उस दे नालों मैं फीस वध लवांगा भावें फिर वह एक रुपया वध ही क्यों ना होवे। लता मंगेशकर ने भी एक बार गाना गाया साहिर लुधियानवी का तो साहिर लुधियानवी साहब ने एक रुपए वध अड़ के फीस जरूर लई। सो शायद उन्होंने किरदार उन्होंने मेहनत सदका ही है कि अज बॉलीवुड या होर भी वड्डियां जड़ियां इंडस्ट्रियां ने उन्होंने गीतकारां नूं अहमियत मिलती है तो वड्डियां वड्डियां फीसां भी दित्तियां जांदियां ने।
ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਲ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਣਗਿਣਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ 25 ਅਕਤੂਬਰ 1980 ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਉਹ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਲੱਤ ਇੱਕ ਅਜੂਬੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਗਈ। ਸੋ ਸਾਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਦੇ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਹੀ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਝਸੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਾਇਰ ਆਏ ਆਕਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੁਛ ਆਹੇ ਭਰਕਰ ਲੌਟ ਗਏ, ਕੁਛ ਨਗਮੇ ਗਾਕਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਵੋ ਭੀ ਇੱਕ ਪਲ ਕਾ ਹਿੱਸਾ ਥੇ, ਮੈਂ ਭੀ ਇੱਕ ਪਲ ਕਾ ਹਿੱਸਾ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਪਲ ਦੋ ਪਲ ਕਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੂੰ, ਪਲ ਦੋ ਪਲ ਮੇਰਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਬਰਲ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।